हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के सीन्स आज देख सकते हैं आप, मैं चला रहा हूँ हिमालयन। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। देखो ला भाई साहब, किधर? हाँ, तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा कि हिमालयन कहाँ से आई। और आज के सीन्स अभी जा रहे हैं, टाइम अपडेट, वैसे टाइम अपडेट देना ज़रूरी है। टाइम अपडेट, इट्स 4 PM। दिन की शुरुआत काफ़ी लेट हुई है क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप, तो दिन के शाम के टाइम ही मतलब टाइम लगता है घर से बाहर निकलने का। एंड यस, आज की वीडियो की रीजंस, हम जा रहे हैं अभी पतलीकुल। बाकी वीडियो में बने रहिए, पतलीकुल जाके ना आपको सब पता चल जाएगा। तो गाइस, हम आ चुके हैं TVS पतलीकुल, कपूर TVS, और मेरे साथ है सुनील आज। वंस अगेन भाई जी, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई जी, अब तो मेरा बढ़िया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों आए, नहीं समझे तो अभी बताता हूँ मैं आपको बस। तो गाइस, हमारे यहाँ आने का रीज़न, सुनील ले रहा है नई बाइक, अभी मे भी ये स्कूटर, पता नहीं क्या ले रहा है। फिर सुनील, कौन सी पसंद है इधर की? मज़ा नहीं आया, बजाज आ गया। नहीं गाइस, ये रीज़न नहीं था यहाँ आने का, फिर से बताऊँगा आपको रीज़न। एंड गाइस, टेकिंग डिलीवरी ऑफ माय फिर से बिल्ट TVS Ntorq, माय लवली बीस्ट। काफ़ी याद आई इसकी क्योंकि इसके बिना जीवन अधूरा सा हो गया था, पर सही है, हो गया इसका काम कंप्लीट। बाकी अभी बिलिंग वगैरह देखते हैं कि कितना बिल बना है, फिर आपको अपडेट देता हूँ मैं। बाकी इसमें इंजन का ही था, फुल इंजन हुआ इसका, और यहाँ पे भाई साहब ने टेप चिपका दी है, सही है, तो फट गया था। यस, बाकी जो प्लास्टिक वाला सीन है, प्लास्टिक वगैरह मैं चेंज नहीं करा रहा क्योंकि गिरता रहता हूँ मैं तो टूट जाते हैं, तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ अभी। बाकी ठीक है, लवली, चेकआउट करते हैं अभी यहाँ पर कितना बड़ा सीन। सुनील जाएगा मेरी धनो लेके और मैं ले जाऊंगा उसको। बाकी रहा बिल की बात करें तो कितना है ये, 9,945 रुपये का फटका लगा है। अभी काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो अगर आप लोगों ने देखनी है तो पॉज करके देख सकते हैं, पर मैं कर रहा हूँ बंद अब। तो यस, अभी तेल भी भरवाना है, फ्यूल अप, क्योंकि इसमें तेल नहीं है। यस, लेट्स गो। गाइस, अपनी धनो देख सकते हैं आप, हिमालय में क्या कि तो पिद्दी सी लग रही है, पर चलो जो भी है अपनी है। तो गाइस, रिफिल हो चुका है और स्कूटर लग गया है अपना हीरो शोरूम के बाहर, और फ्यूल अप हुआ 520 का, 5.32 लीटर्स। एम्प्टी था तो पूरा, मतलब 5.5 लीटर की टैंक है, मतलब ऐसा सोच सकते हैं आप। चलो, अभी के सीन्स, अभी शायद बड़े ग्रां साइड जाते हैं, वो भरत से भी मिलना है तो वहाँ पे भी जाना है अभी। बाकी जुनेपर में भी थोड़ा काम है तो वहाँ जाके आते हैं। यस, लेट्स गो। तो गाइस, चेंज ऑफ प्लान्स, भरत फ़ोन नहीं उठा रहा है अभी, तो जुनेपर किसी और दिन ही जाएंगे क्या, मतलब अगर भरत नहीं हुआ वहाँ पर तो अपना काम नहीं हो पाएगा। यस, अभी फ़िलहाल घर की तरफ ही निकलते हैं, बाकी घर के वहाँ पे भी ऐसा अपडेट है कुछ तो वो भी देता हूँ आपको वहाँ जाके। एंड गाइस, कार्तिक भाई का अपडेट, कार्तिक भाई हैं बीमार तो वो भी 2-3 दिन से शोरूम नहीं आ पा रहे हैं, जब से चंडीगढ़ गए थे ना उनको, पता नहीं ऐसे थोड़ा बीमार हो गए, मतलब इन द सेंस, तो आजकल हैं छुट्टी पर। एंड पिछली वीडियो में मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी चंडीगढ़ रेस टाइम पे,
डिहाइड्रेटेड। बाकी अगर वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, जाके ज़रूर से देख लो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बनता है, एंड वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। घूमने के बाद स्कूटर काफ़ी अच्छा लगता है, और सुनील के ऊपर काफ़ी जच रहा है वैसे स्कूटर। पिछला टायर नैरो है तो थोड़ा छोटा लगता है, पर काम बराबर करता है ये टायर। बाकी धुआं वगैरह तो कुछ नहीं दिख रहा अब, और आई होप ज़्यादा इंजन की लाइफ मतलब डाउन ना हुई हो, क्योंकि एक बार जब इंजन खुल जाता है तो इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। आई होप ऐसा कुछ ना हो। बाकी इंजन काफ़ी रिलायबल है, जो भी सोच रहा हो कि एंटॉर्क लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, देयर इज़ 100% एंटॉर्क लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब कोई भी मतलब ऐसी खराबी नहीं है कि ना लें आप, सब कुछ है इसमें, मैक्स पावर है, मैक्स पिकअप, सब कुछ बढ़िया है। बस माइलेज थोड़ी कम है, वो इग्नोर कर सकते हो अगर आपने मतलब आप अगर पॉकेट फ्रेंडली नहीं सोच रहे हो ज़्यादा तो ले सकते हो। एंड मेरे पास इसका इंजन लगभग 5 साल बाद ख़राब हुआ, 5 साल तक ये इंजन ने इतना ज़्यादा साथ दिया ना मेरा, हर एक जगह पे अप हिल डाउन हिल जो मर्जी ट्रैक हो हर जगह पे साथ दिया इस इंजन ने। यस दिस स्कूटर इज़ लवली, एंड मेरा बस चले तो 15 साल और चला के इसको दीवार पे भी टांग सकता हूँ मैं, कॉज आई लव मेरी धन्य। बर्ड पार्क तो चला गया पूरा ही, सिनेमैटिक व्यूज। एंड गाइस अभी ये सीन राइसिंग पहुंच चुके हैं, टाइम ऑफ डेट इट्स 5:31, और सामने से आ रहे हैं चाची। जय जय महाराज। नई बाइक? हाँ जी। वाह वाह भाई, ये तो किराए वाली है हमारे। किराए नहीं यार, दोस्त की है, रेंटेड बाइक है तो। हाँ दोस्त की है। कहाँ जा रहे? बस स्कूटी लेने गए थे शोरूम में, इंजन का काम कराया इसको। 7 kg का होता है ये सामान रखने को इसके ऊपर, जिस चीज़ की लिमिटिंग उसके मतलब सामान वगैरह बांधने के लिए ओनली 7 kg डाल सकते हो, और भी काफ़ी मोटी बाइक है। रेंटिंग का है? हाँ जी। ये ले आई? हाँ जी। कितने का सारा? 9.5। सर 9,000? 10 ही रखो, 200 रुपये दिए वापस उसने। नहीं वही है, इंजन का काम ही किया सर। सो गाइस मैं पहुंच गया हूं घर, एंड बीस्ट भी पहुंच गई, अपनी छोटी बीस्ट भी पहुंच गई है घर। बाकी जी में चाबी है बहुत है, इसकी टेस्ट राइड लेके आते हैं एक बार कैसी है। आई मिस्ड दिस सो मच, दिस एंगल।
मज़ेदार। ट्रिप मीटर कर देते हैं ज़ीरो। तो वाह गाइस, मैं तो गियर चेंज कर रहा था, बाइक से एकदम स्कूटर पे शिफ्ट होना ना अभी अजीब सा लगता है, तो बहुत हल्की लग रही है चलाने के लिए। बार बार मेरा हाथ जैसे क्लच के लिए जा रहा है गियर चेंज करने के लिए, मतलब अपने आप से ही ब्रेकिंग वाला सिस्टम हो रहा है बाइक। अब ये जा रही मंदिर कम्प्लीट हो चुका है, वो विशेष ना बाकी सही है। कुछ आवाज़ें वो मैं बाद में चेक करूँगा, अभी सस्पेंशन भी चेंज करने के लिए और फिलहाल बाइक है। अगर ये ना कुछ दिन पहले ठीक हो गई थी तो इट हैज बीन मच बेटर, एज मैं NRS में पार्टिसिपेट कर पाता हूँ। और जी गोल्डी भाई क्या हाल चाल? एंड गाइस अपनी रैप्टर चलिए बढ़िया। और यस ऐसा ऐसा सीन था आज का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।